Hello students, hope you all are fine. Today I am going to explain the text of the chapter The Old Clock Shop. This is from your book A Pact with the Sun. Let's start this chapter. Christmas Eve had arrived. जो क्रिसमस से एक दिन पहले की शाम होती है उसको बोलते हैं क्रिसमस ईव. तो कहते हैं क्रिसमस की शाम आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, जो लास्ट पे शॉपिंग करते हैं कहते हैं वो भी लोग ऑलमोस्ट घर जा रहे थे. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी USA. तो USA की कहते हैं एक सिटी का नाम है जो सॉल्ट लेक सिटी, उस पर कहते मोटी और सफ़ेद बर्फ की शीट छा चुकी थी. ले ओवर होते हैं छाई हुई, स्प्रेड ओवर. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. कहते अभी भी कहते ओल्ड शॉप ए ओल्ड क्लॉक शॉप थी जिसमें लाइट्स हैं जो अभी भी जल रही थी. एज रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. कहते जब जो रे था उस दुकान का मालिक जो कि बूढ़ा था और सुन नहीं सकता था, डेफ होता है जो सुन नहीं सकता, कहते वो अभी भी उस क्लॉक पर वर्क कर रहा था, काम कर रहा था जो उसी दिन उसने बेची थी. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क रे स्टूड अप. अपना काम ख़त्म करने के बाद जो रे है वो खड़ा हुआ. एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. कहते वो खड़ा और वो पीछे वाले रूम में रास्ते में ही था, मतलब उस रूम के पीछे जा रहा था, जब कहते उसकी जो गर्दन है पीछे से एक जोर से ठंडे हवा का झोंका आया जो उसकी गर्दन पर हिट किया. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. कहते वो पीछे को मुड़ा उस जो लास्ट मिनट शॉपर था, मतलब जो बिल्कुल एंड पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए उनको देखने के लिए. बट His old wise eyes told him that this was not a shopper. पर कहते उसकी उस जो बूढ़ी और वाइज आइज थी, मतलब बड़ी दयालु भरी आइज थी जो उसकी, कहते उस उनको पता लग गया कि ये शॉपिंग करने तो नहीं आया. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. तो उसने दो आदमी देखे जिसकी जिनमें से एक की उम्र लगभग 20 साल की थी और दूसरा लगभग 50 साल के नज़दीक था. द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर. जो छोटा था, मतलब जिसकी भी उम्र 20 साल की थी, वो डोर पर दरवाजे पर ही खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज. और जो बड़ा था 50 साल का आदमी था वो काउंटर के पास आया जिसमें जिसकी आईज में कोई भी मतलब फ्रेंडलीनेस नहीं थी, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि लग ही नहीं रहा था कि वो शॉपिंग करने आया. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. कहते रे ने अपनी जो डर है उसको छुपाने की कोशिश की जब वो नोट पैड क्या होता है, एक स्क्रीन लाइक स्क्रीन और पेंसिल जिस पे मतलब कुछ हम लिख सकते हैं. तो नोट पैड आप कॉपी भी हो सकती है वो, ठीक है, तो जिस पे हम कुछ लिख सकते हैं पेंसिल के साथ. तो उसने वो जब काउंटर उस कर रहा था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, तो उसने तब उसने अपना डर को छुपाने की कोशिश की. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस. जो रे हैं उन्होंने उसको स्माइल की. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. और अपने कानों की तरफ इशारा करके बताया और कहा कि मैं सुन नहीं सकता, मतलब इशारा करके बता रहे हैं और सिर को हिला रहे हैं कि मैं सुन नहीं सकता. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज अ मैन फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड. कहते जो रे ने कुछ नोट पैड पर लिखा था उसको पढ़ के जो उस आदमी की जो झलक थी वो थोड़ी चेंज हो गई उसकी, मतलब थोड़ी सी सरप्राइज वाला हो गया उसका फेस. देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. और वो उसने पीछे मुड़ा कि कौन खड़ा था उसका जो दूसरा फ्रेंड था डोर के पास, उसकी तरफ देखा और उसको कुछ कहा. रे यूज अ चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन. इतने में रे को जो मौका मिल गया उस आदमी को जांचने का, लुक क्लोजली मतलब एग्जामिन करने का. Paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket.
जो उस आदमी का हाथ था अपनी राइट साइड की पॉकेट में था, ठीक है, और वो उस गन को एग्जामिन कर रहा था, गन की शेप की तरह जो कुछ पॉकेट में था उसको वो उसके ऊपर फोकस कर रहा था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, इतने को गुस्सा आ गया ब्रे को, बट इट वॉज कैप डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। पर इतने में वो उसकी अंतरात्मा ने उसको कहा कि शांत रह। ही रोट ऑन द नोट पैड, मी आई हेल्प यू, रे ने अपनी नोट पैड पर लिखा कुछ, लिखा क्या कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्ड मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, कहते पहली बार जो वो 50 साल का आदमी था उसने रे की तरफ देखा और स्माइल की, अ क्रूअल मोकिंग स्माइल। वो एक जालिम लाइक, मतलब अच्छी स्माइल नहीं थी, क्रूअल मतलब जो अच्छी स्माइल ना हो, और ऐसे लग रही थी जैसे उसकी स्माइल में थोड़ी सी फन सा हो। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देर, कहते वो दोनों समझ गए थे कि वो वहाँ पे क्यों है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और ये भी पता लग गया था कि उसका एक फ्रेंड जो दरवाजे के पास क्यों है। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। अब ये उसको पता लग रहा था कि जो दोनों आदमी हैं उन दोनों की किस्मत है जो अच्छी नहीं है, और वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, करने जा रहे हैं जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़ सकता है। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ी की सुइयां बजी। रे कामली रॉट अनदर मैसेज, रे ने दूसरा मैसेज लिखा एक और, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ से क्लॉक या फिर वॉच लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस, फिर उसने सामने जहाँ पर घड़ियाँ और पॉकेट वॉचेस हैंग की हुई थी, टंगी हुई थी, उसकी उसके पास एक लोन बोर्ड लगा हुआ था, जिस लोन बोर्ड क्या होता है कि जिससे आप मनी लेंड कर सकते हो, तो उस पर लिखा हुआ था कुछ, लोन लिखा हुआ था, ठीक है। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, पर वो पॉन ब्रोकर भी नहीं था। पॉन ब्रोकर क्या होता है, जो किसी चीज़ के बदले में आपको कुछ पैसे उधार दे दे। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, पर वो अगर किसी को ज़रूरत होती तो उसको मना भी नहीं करता था पैसे उधार देने से। हु प्लेस्ड देयर ओन वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनी थिंग दे कुड गेट, उनके पास अगर कुछ होता था जैसे ओल्ड वॉचेस या क्लॉक्स अगर वहाँ पर रखते थे तो उनके बदले में वो उनको दे देता था लोन भी। ही लोन मोर देन ही शुड, वो जितना उनका लोन होता था उससे ज़्यादा पैसे उधार दे देता था। दे वुड बी देयर वैन द ओनर्स वॉन्टेड दैम बैक, और जब उस उन घड़ियों का मालिक मतलब जो लोन जो गिरवी रख के जाते थे, तो अगर जब वो चाहते थे कि वो वापस लेने मतलब घड़ियों को वापस लेना चाहते थे तो वो उनको वापस दे देता था। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नॉइस, और उसी प्राइस पे दे देता था जितना उसने उनको दिया होता था, मतलब बिना ब्याज के। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटल ईजियर, अब जो 50 साल वाला आदमी था अब वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था। लुक टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, और अपना हाथ जो राइट हैंड था उसने पॉकेट में रखा हुआ था वो भी बाहर निकाल लिया। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जो अपनी कलाई पर उसने वॉच पहनी हुई थी उसकी तरफ देखा उसने और कहा, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोच, अब क्या लिख कर उसको बताया कि इस वॉच के लिए तुम मुझे कितने पैसे दे दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, जो रे था उसने नोटिस किया उसकी जो ग्रे आईज है उसमें थोड़ी सी शर्म नोटिस की, महसूस की। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो वॉच है वो स्पेशल नहीं थी, कुछ खास नहीं थी, एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, पर फिर भी बहुत ताकत थी उसमें। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, ये एक्चुअली एक बैड सिचुएशन से, बुरी हालात से बाहर निकलने के लिए अच्छा सौदा था। नोइंग दैट ग्रेट नीड had brought the man to his shop in the first place, कहते क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो बहुत बहुत बड़ी जो ज़रूरत है उसको उस आदमी को उसकी शॉप पर पहली बार लेके आई है। री आस्क
हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। रे ने पूछा कि तुम्हें तुम्हें कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक टू द नोट पैड। अब उसने उस आदमी ने नोट पैड पर लिख दिया वट एवर इट्स वर्थ, इसकी जितनी भी कीमत हो सकती है। रे रेश इन टू हिज कैश बॉक्स। अब जो रे था अपने कैश बॉक्स के पास गया जहाँ पर उसने कैश रखा था। पुल्ड आउट अ $50 नोट, $50 उसमें से निकाले एंड पास इट इन टू द मैन्स हैंड, और उस आदमी के हाथ में पकड़ा दिए। एज दे शूक हैंड्स रे लुक्ड इन टू द मैन्स आईज। कहते जब वो दोनों हाथ मिला रहे थे रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सेम टू से थैंक यू, और उसकी आंखें ऐसे कह रही थी, उसने महसूस किया कि उसकी आंखें ये कह रही हैं कि थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच इजंट वर्थ दैट मच, और दोनों जानते थे कि इस जो घड़ी की कीमत इतनी नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन। मैरी क्रिसमस। तो उसने वापस जाने से पहले एक बार उस आदमी के लिए लिखा, क्या लिख कर गया, कहता मैं वापस आऊँगा और जितनी जल्दी हो सके इस घड़ी को वापस लेने ज़रूर आऊँगा। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई हो। द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और जो ये पूरी स्टोरी है आधे घंटे में ही ख़त्म होगी, और जो घड़ी की सुइयां भी सारी इकट्ठी बची इन आधे घंटे के बाद, ख़त्म होने के बाद। द टाइम पीसेज विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑन ऑल द वाइल। कहते थे जो टाइम पीसेज मतलब सारी क्लॉक्स थी, सारी वॉचेज या क्लॉक सारी इकट्ठी, कहते जो इतने आधे घंटे में बिल्कुल साइलेंट रही, रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग, और इकट्ठी सारी बजी एक अच्छी फीलिंग के साथ, दैट रे इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। इवन द रे को ऐसे महसूस हुआ, ऐसा लगा उसको भी जैसे उसने वो घड़ी की सुइयां सारी सुनी। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, और जो उनका एक प्यारा सा अच्छा सा मैसेज भी ऐसे लगा जैसे कोई उम्मीद के साथ भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। कहते जो टाइमलेस मैसेज मतलब जो ऐसे लगा जिसका अंत नहीं होता मैसेज का, जो ऐसा मैसेज के धरती पे शांति बनी रहे और गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और सबको मतलब उसके लिए अच्छाई हो। कहते ऐसा मैसेज उन तीनों ने जो वहाँ पे उन शॉप पे खड़े थे और क्लॉक शॉप में, उन तीनों ने ये मैसेज को महसूस किया कि जैसे घड़ी की सुइयों ने भी ये मैसेज दिया है, पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स नाउ। फर्स्ट इज व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर। रे को क्यों ऐसे लगा कि जो आदमी आया वो शॉपिंग करने नहीं आया, वो शॉपर नहीं है। आंसर क्या आएगा इसका, द वे हाउ द मैंस कंपेनियन रिमेन्ड एट द डोर मेड रे थिंक दैट ही वॉज नॉट रियली अ शॉपर। कहते जिस तरह से जो उसका आदमी का दोस्त था, कंपेनियन मतलब दोस्त, बाहर नहीं खड़ा हो गया था दरवाजे पर, तो कहते जैसे वो दरवाजे पर खड़ा हो गया था तो रे को उससे पता लगा कि वो शॉपर नहीं है। सेकेंड इज Why do you think he had come to the shop? क्यों लगता है कि वो दुकान पर क्यों आया? He had come to shop the to rob the shopkeeper, कि वो शॉपकीपर को लूटने आया। How did Ray communicate with him? Ray ने उसके साथ किस तरह से बातचीत की? Ray communicated with him using notepad for writing. उसने लिखकर उससे बातचीत की। व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। जो आदमी था उसने अपने फ्रेंड को क्या कहा जो बाहर डोर के पास खड़ा था? ही मस्ट हैव टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द शॉपकीपर वॉज डेफ। हमें क्या लगता है कि वो आदमी उसने अपने फ्रेंड को क्या कहा होगा कि जो शॉपकीपर है, जो ओल्ड क्लॉक शॉप का ऑनर है, वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता। नेक्स्ट इज रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर।
जो रे है वो पैसे उधार नहीं देता था ऐसे चीजों के बदले में. वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स. तो फिर क्यों वो पुरानी घड़ियों के बदले जो लोगों को पैसे देता था उधार. इसका आंसर आएगा ही यूज टू लेंड मनी टू पीपल फॉर दे मस्ट नॉट यूज अनफेयर मीन्स टू फुलफिल देयर नीड फॉर मनी. कहते वो इसलिए लोगों को पैसे उधार देता था ताकि वो पैसे की जरूरत की अपनी जरूरत के लिए कोई भी बुरा काम ना करें. नेक्स्ट इज द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. इन वॉट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स. कहते वो जो वॉच है वो स्पेशल नहीं थी पर फिर भी उसकी कुछ अच्छी मतलब बहुत अच्छी पावर्स थी. कहते किस सेंस में, ये क्वेश्चन पूछा कि किस तरह से उसकी वो ग्रेट पावर्स थी. तो आंसर है इसका द वॉच हैड ग्रेट पावर्स एज इट सेव द मैन टू बी अ क्रिमिनल. वो जो स्पेशल वॉच थी उसकी ग्रेट पावर क्या थी कि उसने एक आदमी को क्राइम करने से, जुल्म करने से बचाया, एक आदमी को क्रिमिनल बनने से बचाया. नेक्स्ट डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच. क्या आपको लगता है कहते कि जो आदमी है वो अपनी घड़ी वापस लेने आएगा. यस द मैन वुड श्योरली कम बैक टू पिक अप द वॉच. क्या बिल्कुल लगता है कि वो अपनी घड़ी लेने आएगा. एंड में कहा था ना उसने कि मैं वापस आऊँगा. हाँ जी नेक्स्ट व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली. कहते हैं आपको कब लगा कि जो अनफ्रेंडली फेस था उस आदमी का वो फ्रेंडली दिखने लग गया, कब वो फ्रेंडली बन गया. इट टर्न्ड ट्रूली फ्रेंडली व्हेन ही होप्ड दैट ही माइट फुलफिल हिज नीड फॉर मनी विदाउट कमिटिंग अ क्राइम. कहते हैं उसका चेहरा जो फ्रेंडली तब बन गया जब उसमें एक उम्मीद जागी कि उसने बिना क्राइम कर किए ही उसकी जो मनी की नीड थी वो पूरी हो गई. ओके थैंक यू वेरी मच. तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके बाय बाय.